अच्छा जी दोस्तों, आप सब लोगों की तवज्जो अगर स्क्रीन की तरफ थी तो मैंने अभी किया ये है कि हमारे जो पहले से फोल्डर्स में बने हुए थे उसमें एक नया फोल्डर ऐड किया, दैट इज़ कॉल्ड इमेजेस, जिसमें हम इमेजेस के मुताबिक जो भी पढ़ेंगे उसका कोड थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम, वो आपसे शेयर होगा, तो इस तरह से होगा। अच्छा, और मैंने क्या किया, उसमें एक HTML का पेज बनाकर उसमें हेडिंग लगा दी HTML5 इमेजेस और नीचे एक इमेज लगा दी मैंने। इमेज में SRC करके एक इमेज का पाथ मैंने पास किया है यहाँ पे, जो मेरे इसी फोल्डर में पड़ी हुई है। अच्छा, ये इमेज मेरे पास थी नहीं, ये मैंने डाउनलोड की है। कहाँ से डाउनलोड की है? unsplash.com से की है। ठीक है, अभी वो unsplash क्या होता है वो आगे डिस्कस होगा। वेल, तो ये कोड लिखने के बाद जब मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र पे, गो लाइव का बटन दबा के या कॉपी पास्ट करके, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा होता है। ये इमेज बहुत ही बड़ी रेंडर हो गई है इसके ऊपर। ऐसा ही हुआ होगा आप सब लोगों के साथ भी। अच्छा, तो अब क्या करें, क्या करूं, पिक्सल कैसे सेट होंगे? यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ लगा दूँ, विड्थ इसकी कितनी कर दूँगा, 400 पिक्सल कर दी मैंने। एक मिनट, बुक मुझे यहाँ चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए कोड और उसके बाद मुझे चाहिए डिस्प्ले उसका। कुछ इस तरह की दिख गई इमेज मुझे ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। मुझे कभी भी यहाँ पे विड्थ का एट्रीब्यूट लगा कर, अच्छा मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इमेज आप सब लोग पहले से लगा चुके हैं। अच्छा, आज हम सिर्फ ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं करना हमें, और बाकी का टॉपिक इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारे पास लास्ट के 10 मिनट हैं इस वजह से, ठीक है। तो आई एम स्टिल एज्यूमिंग कि सब लोग फ्रॉम स्क्रैच इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये आज सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करके हम छुट्टी करते हैं। तो हमें ये विड्थ क्यों नहीं लगाना, मैं असल में बता इसलिए रहा हूँ ताकि कहीं किसी को ये ना लगे कि सर तो डायरेक्ट जंप करके आगे चले गए। नो, हम इसको फ्रॉम स्क्रैच ही पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमें इसलिए नहीं करना है,
नंबर एक रीज़न, इस इमेज का जो साइज़ है ना, अगर मैं अपने ब्राउज़र इसमें जाकर देखूँ जहाँ पे ये अभी मैंने डाउनलोड किया ना ये इमेज, इस इमेज का जो साइज़ है हार्ड ड्राइव में वो 900 KB है, ठीक है। अच्छा 900 KB है, और इसका जो डायमेंशन है यानी पिक्सल में जो इसका इसकी जो विड्थ और इसकी हाइट है वो 5000 पिक्सल बाई 3000 पिक्सल है, ये इसका विड्थ और हाइट है इस इमेज की पिक्सल में। आपको पता है कि तस्वीर कैसे बनती है, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर कैसे नज़र आती है, ये आप सब लोगों को पता है। स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर डॉट्स होते हैं, उससे मिल के एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो आप जैसे सुनते होंगे आप क्या है 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो एक्चुअल में वो क्या है, पिक्सल जो है वो एक डॉट होता है जिससे मिलके वो इमेज बन रही होती है। तो मेगापिक्सल का मतलब है, अगर 12 मेगापिक्सल है तो इसका मतलब है कि वो जो इमेज उस कैमरे से जो फ़ोटो खींची जाती है उसके अंदर वो जो डॉट होते हैं ना पिक्सल, वो 12 मिलियन होते हैं, ठीक है। 12 मेगापिक्सल का मतलब है कि 12 मिलियन पिक्सल होते हैं, ठीक है। अच्छा किलो मेगा गीगा ये तो आपको पता है ना, मतलब एक पिक्सल है अगर तो वो एक पिक्सल है, अगर 100 पिक्सल हैं तो वो 100 पिक्सल है, 1000 पिक्सल अगर वो हो जाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो 1 किलो पिक्सल हो गया ना, वो किलो और मेगा और गीगा ये तो पता है ना आप लोगों को। अच्छा इसी तरीके से अगर 1000 किलो पिक्सल हो जाए, के वैसे आपने ये टर्म है नहीं, कोई किलो पिक्सल कोई भी यूज़ नहीं करता वर्ड, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो किलो पिक्सल हो गया ये 1000 किलो पिक्सल, तो 1000 किलो पिक्सल का 1 मेगापिक्सल हो गया, और 1000 मेगापिक्सल का 1 गीगापिक्सल हो गया, ऑब्वियसली सही है। तो हम गीगापिक्सल में तो नहीं पहुँचे, कैमरा अभी तक जो नॉर्मली होते हैं वो मेगापिक्सल में होते हैं, लेकिन होपफुली आप नियर फ्यूचर में हो सकता है आप गीगापिक्सल भी देखें। तो वो पिक्सल का असल में क्वांटिटी बता रहा होता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर एक 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है, जो 12 मेगापिक्सल अच्छा आईफोन में आमतौर पर 12 मेगापिक्सल कैमरा होता है जितने भी हैं वो, तो उसका उससे जो फ़ोटो खींची जाती है वो उसका साइज़ ये होता है पिक्सल्स में। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, मतलब चौड़ाई में, ये जो पहला वाला होता है ना ये चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, सही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो विड्थ होती है, और जो सेकंड वाला है वो क्या होती है, वो हाइट होती है इसकी, ठीक है। तो मैं आपको असल में इमेज समझा रहा हूँ कि एक इमेज फॉर्म कैसे होती है, जब आपको ये समझ आएगा कि इमेज फॉर्म कैसे होती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, ये आपको ऑटोमेटिक कॉमन सेंस से समझ आना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी इमेज में ऐसे चौड़ाई में 4000 पिक्सल हो और लंबाई में 4000 पिक्सल हो, तो टोटल कितने पिक्सल हुए उस पूरी इमेज में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको छोटे स्केल पे समझते हैं, एक इमेज है जिसमें चौड़ाई में 10 पिक्सल है और लंबाई में 10 पिक्सल है, एक स्क्वायर है जिसमें चौड़ाई में 10 पिक्सल है और लंबाई में भी 10 पिक्सल है, तो ये टोटल कितने पिक्सल हुए, ये सब लोगों को समझ आया जो मैंने बात की है। अगर एक इमेज है जिसमें चौड़ाई में 4 पिक्सल है, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं कि 4 पिक्सल की इमेज कैसी होगी, ये असल में मुझे कुछ लोगों के चेहरे से लग रहा है कि ये बात हमें समझ नहीं आई यार, आ रहा हूँ मैं आपकी क्लास में ना, वो हो गई खाली हो गई है वो वाली क्लास खाली हो गई है, हाँ तो मसला नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो तो 9 बजे ख़त्म होती है ना यार, अभी तो है 1 घंटा है ना हमारे पास, 9 बजे तक है ना, वेल 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। एक मैं आपके सामने एक ऐसी इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, चौड़ाई में भी 4 पिक्सल होंगे, लंबाई में भी 4 पिक्सल होंगे, ठीक है। तो एक पिक्सल बना लेते हैं पहले, तो ये 1 पिक्सल हो गया हमारा, सही है, और दो पिक्सल हो गया, ये 4 पिक्सल हो गया, ये एक इमेज है जिसमें चौड़ाई में 4 पिक्सल है, और अब इसमें लंबाई में भी मुझे कितने करना है,
चार पिक्सल करना है। तो ये आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ हो गई है जिसमें चौड़ाई में चार और लंबाई में भी चार पिक्सल है। तो टोटल पिक्सल कितने हैं? 16 पिक्सल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं चौड़ाई और मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो टोटल पिक्सल निकल आता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 16। तो काइंड ऑफ जो आईफोन से एक 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींची जाती है, उसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, 4000 पिक्सल चौड़ाई में और 3000 पिक्सल लंबाई में। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, मुझे इसके टोटल पिक्सल पता चल जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा कि भाई 4032 और मल्टीप्लाई बाई 30 क्या था, ये 3024। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट आया आपके सामने, देखो क्या आया है, 1s, 10s, 100s, 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, कुछ 1 crore समथिंग आया है। तो ये 12 का जो फिगर है ना, ये देखो 12 का फिगर जो आ रहा है, ये 12 मेगापिक्सल का मतलब होता है ये 1.2 करोड़ होता है, काइंड ऑफ 12 मेगापिक्सल का मतलब। तो ये समझ रहे हो, अब समझ आ रहा है, कहानी समझ आना शुरू हुई है कि एक इमेज स्क्रीन पे फॉर्म कैसे होती है। एक इमेज जो होती है स्क्रीन पे पिक्सल्स के ज़रिए फॉर्म होती है। अच्छा, ये तो हमें इमेज का पता चल गया। अब इमेज जिस चीज़ पे नज़र आती है ना, जो हमारा स्क्रीन है, अब इसको भी गौर से समझ लो बहुत, क्योंकि इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। और अगर ये बात समझ में नहीं आई आपको अभी, तो आपको ये इतना फार कराएगी कि आप आंसू निकल जाएंगे आपको, सही है। हमने एक इमेज देख लिया कि इमेज कैसे स्क्रीन पर बनी हुई होती है। अब स्क्रीन जो है मेरी, स्क्रीन कैसे बनती है? असल में स्क्रीन जो है वो छोटे छोटे, आप समझ लें एलईडी लाइट होती है, ठीक है। अगर मैं आपको स्क्रीन को अगर दिखा सकूं, मैं लिखूंगा यहाँ पर नोकिया ठीक है, ऐसी होती थी ना स्क्रीन। एक मैं क्लासिक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल की स्क्रीन जो है वो बहुत हाई क्वालिटी, तो आपको ये डॉट्स दिखते नहीं है, इसलिए मैंने पुराने मॉडल का। तो आप देखें ये जो स्क्रीन है, ये फ़ोन की, एक फ़ोन होता था पुराने ज़माने में, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, तो उसमें ये ऐसे करके स्क्रीन उसकी बनी हुई होती थी। तो असल में जो LCD स्क्रीन है या कोई भी दूसरी स्क्रीन है, वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी हुई होती है। अब एक था इमेज का पिक्सल और एक है स्क्रीन का पिक्सल, नाम दोनों का पिक्सल है, लेकिन स्क्रीन का जो पिक्सल है ना वो क्या होता है, वो असल में छोटा सा एक बल्ब होता है, छोटा सा LED बल्ब होता है, ठीक है। अच्छा, इस हर एक पिक्सल, क्योंकि ये देखो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है ना, तो इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो या तो एक वक्त में ब्लैक होगा या तो वाइट होगा, तो उससे एक पिक्सल का कलर आ जाता है। अच्छा, इसी तरह वो सारे पिक्सल ऐसे कलर बनता है ना कि आपको देखने में लगता है कि इमेज बन गई है, ऐसे ही होता है ना। मतलब ये सामने आपके नोकिया तो नहीं लिखा हुआ ना, ये तो अगर आप इस तरह से आपको ये दिखाया जाए बल्ब के, एक बल्ब यहाँ पे ऑन है, ये जूम इन हो गया ना काफ़ी, तो आपको यहाँ तो नहीं पता चल रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो आपको एक्चुअल में बल्ब्स दिख रहे हैं अगर आप जूम इन करें तो, लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं तो ये ऐसी अरेंजमेंट में लिखा हुआ है कि आपको लगता है ये तो नोकिया जैसा लिखा हुआ कुछ फील हो रहा है, और जितना जूम आउट करता हूँ उतना ज़्यादा ये क्लियरली नज़र आता है आपको। तो स्क्रीन, असल में स्क्रीन भी क्या होती है, छोटे छोटे पिक्सल से बनी हुई होती है। अच्छा, स्क्रीन का पिक्सल, कितने पिक्सल स्क्रीन में, आपको ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये आपको पता चलेगा हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन से। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो इस वक्त है मैकबुक प्रो M1, स्क्रीन साइज स्पेसिफिकेशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है वैल, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 13 इंच की स्क्रीन है, और इसका पिक्सल में साइज़ नहीं बताया इन्होंने, पिक्सल में साइज़ क्यों नहीं बताया, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने पिक्सल में इसका साइज़ बताया होगा। स्पेक्स लिखूँगा तो आ जाएगा,
हाँ स्क्रीन की पिक्सल मैं भी अपने वाले का ढूंढ रहा हूँ कि कैसे आएगा। डिस्प्ले स्पेक्स लिखता हूँ जरा। हाँ ये रहा, ये एप्पल की वेबसाइट पे ही मुझे मिला, कह रहे हैं कि 13 इंच की स्क्रीन है 13.3, और इसमें जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो IPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही कॉमन है। तकरीबन जितने भी LCD डिस्प्ले होते हैं वो IPS होते हैं, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी, एक LED टेक्नोलॉजी IPS होती है, TFT होती है, वो टेक्नोलॉजी पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम नहीं है, वो हार्डवेयर वालों का काम है। इसका जो साइज़ है ना पिक्सल्स में, जैसे कि हम देख चुके हैं कि स्क्रीन भी छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनता है, इसका साइज़ ये है और ये है, यानी चौड़ाई में जो मेरी स्क्रीन का जो साइज़ है वो 2560 पिक्सल है, यानी फिज़िकली छोटे छोटे 2500 बल्ब यूँ लगे हुए हैं लाइन से चौड़ाई में, और तकरीबन 1600 बल्ब ऐसे लंबाई में लगे हुए हैं। तो टोटल ये कितने बल्ब हो गए मेरी पूरी स्क्रीन पर, लगा के देख लेते हैं इसका हिसाब। अच्छा 2560 मल्टीप्लाई बाई 2560 ये कितने पिक्सल हो गए, कोई 40 लाख पिक्सल हो गए, ठीक है। तो एक सादा सी दिखने वाली स्क्रीन में 40 लाख छोटे छोटे LED बल्ब हो सकते हैं, या छोटे छोटे ऐसे डॉट्स हो सकते हैं जो ग्लो करते हैं, और ये एक कलर LCD का, एक कलर स्क्रीन का जो एक पिक्सल होता है वो एक वक्त में या तो ब्लू होगा या तो रेड होगा या तो ग्रीन होगा, RGB स्कीम पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो जदीद LCDs हैं उसमें क्या होता है, हर एक पिक्सल में असल में 3 बल्ब होते हैं, एक बल्ब नहीं होता। नहीं अभी तो वो शो कराने पे भी आएंगे ना, अभी हमने 2 चीज़ें समझनी है। नंबर 1 कि पिक्चर स्क्रीन पे फॉर्म कैसे होती है, वो हमने देख लिया कि वो पिक्सल की फॉर्म में होती है। एक जो इमेज जो स्टोरेज में सेव हुई हुई इमेज है वो पिक्सल से मिलके बनी हुई होती है। अब वो पिक्सल नज़र का आएगी स्क्रीन पे, तो अभी हम स्क्रीन को समझ रहे हैं कि स्क्रीन कैसे काम करती है, और स्क्रीन की जो नीटी ग्रिटी चीज़ें हैं उसको हम देख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हर LCD स्क्रीन या मॉनिटर जो भी हमारा होता है, या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है, वो भी असल में छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बना हुआ होता है, और मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन का जो पिक्सल होता है वो छोटे छोटे असल में बल्ब होते हैं, जो बल्ब जलते और बुझते रहते हैं, और हमें लगता है कि हमारी स्क्रीन पर बाकायदा कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। यह ख़ास अरेंजमेंट में वो ऑन ऑफ हो जाते हैं, हमें लगता है गूगल क्रोम का लोगो बना हुआ है स्क्रीन पर, है ना, या कोई पिक्चर कोई सीन हमने ओपन किया हुआ तो हमें लगता है कि वो हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि स्क्रीन पर ये इस तरह से हुआ हुआ होता है। तो वेल हम कहाँ पे थे कि हमें ये काम नहीं करना, अब समझ में आएगा आपको कि ये काम हमें क्यों नहीं करना। मेरे पास जो इमेज है यहाँ पे उसका 900 KB उसका साइज़ है। अच्छा ये बात तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगी कि अभी इमेज मेरे जो हार्ड ड्राइव में स्टोर हुई है 900 KB की, इस इमेज में अगर और ज़्यादा पिक्सल होते इसका साइज़ और ज़्यादा होता, सही, इसका साइज़ और ज़्यादा होता। अच्छा अब आप बहुत गौर से अगर देखेंगे ना कि मेरे पास 5000 पिक्सल इस इमेज की चौड़ाई है, और मेरे मॉनिटर की चौड़ाई कितनी है पिक्सल्स में, 4000 समथिंग थी, नहीं वो तो ओवरऑल थी ना पूरा मिला के, लेकिन चौड़ाई में साइज़ कितना है, समथिंग 4000 समथिंग था, अभी दोबारा देख लेते हैं। 2560 था चौड़ाई में, और 1600 लंबाई में था मेरी LCD का जो पिक्सल का साइज़ है, और ये इमेज की चौड़ाई का साइज़ कितना है, 5143। तो अगर ये इमेज मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी पिक्सल टू पिक्सल,
तो क्या होगा? क्योंकि इस इमेज की जो चौड़ाई है वो मेरी स्क्रीन के पिक्सल की चौड़ाई से डबल है, तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर जब मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा मैं, तो इसका कुछ पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी स्क्रॉल में चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, कितना पार्ट इसका डिस्प्ले हो जाना चाहिए? क्योंकि ये 5000 पिक्सल है ना इसकी चौड़ाई, और मेरी स्क्रीन कितनी है? 2500, आधा। तो इसका मतलब है कि ये इमेज का जो है आधा पार्ट, अगर मैं पेंट में वापस जाऊँ, यहाँ पे मैं पेंट में वापस जाता हूँ और ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरी स्क्रीन है ठीक है, जिसकी चौड़ाई 2500 है, और एक मैं यहाँ पे वो भी बना लेता हूँ, और ये मेरी इमेज है, तो मेरी इमेज स्क्रीन पे इतना तो आ जाएगी, कुछ काइंड ऑफ इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ऐसा ही होगा ना, चौड़ाई में 2500 पिक्सल दिख जाएंगे, 2500 बाहर होंगे, फिर मुझे ऐसे स्क्रॉल करके उसको मैं देखूंगा, कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी। आ जाते हैं, ये करके देखते हैं, ये वृत्त का मैं साइज ये हटा देता हूँ। देखो कुछ इसी तरह का हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, बाहर निकल जा रही है पिक्चर। अच्छा, अगर मैं इसको विड्थ को 500 पिक्सल कर दूं, तो ऐसा लगता है कि ये छोटी हो गई है इमेज, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, वो 500 पिक्सल उसने उठा लिए, बाकी को छोड़ दिया। समझ रहे हो बात क्या हुआ? मैं वापस इस इमेज में आता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास 4 पिक्सल की एक इमेज थी, चौड़ाई में 4 पिक्सल थे, अगर मैं ये करूँ, मुझे कहा जा रहा है कि यार मुझे 500 पिक्सल में दिखानी, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पिक्सल उठाऊँगा, दो पिक्सल छोड़ूंगा, फिर एक पिक्सल उठाऊँगा, ऐसे करूँगा ना, मैं पिक्सल माइनस कर दूँगा मैं कुछ। समझ रहे हो बात? अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि ये इमेज एक्चुअल में जितने पिक्सल थे ना इसके, वो सारे पिक्सल मुझे दिख नहीं रहे, इसका मतलब है कि ये इमेज मुझे कम क्वालिटी में दिख रही है, इसकी कुछ डिटेल्स माइनस हो गई है इस विड्थ का एट्रीब्यूट लगाने की वजह से। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हैं, अगर इस इमेज को मैं अगर मैं जूम इन करूं, तो आप देखें ये उस तरह से शार्पनेस नहीं रही है, अब इसकी उस तरह से अब ये इमेज शार्प नहीं रही है। तो इसका वाजह मतलब ये है कि उसने क्या किया, जो टोटल पिक्सल हार्ड ड्राइव से उसने इमेज उठाई है ना, उसके जो टोटल पिक्सल थे वो सारे पिक्सल मुझे नहीं दिखाए, उसमें से कुछ माइनस कर दिए और फिर मुझे दिखाया। ठीक है, तो नंबर एक बात तो ये कि अगर मैं उसको विड्थ का टैग लगा के उसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, जो कि उसके लिए बना नहीं है, विड्थ का टैग बना किस लिए वो भी बताऊँगा अभी आपको, तो मुझे इमेज बिला वजह कम क्वालिटी में दिखती है। दूसरी बात, जब वो इमेज मेरी वेबसाइट में लोड होगी, जाहिर है जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो वो इमेज लोड होती है, अभी आपने गिटहब पेजेस में उसको होस्ट किया हुआ है, कोई बंदा को आप URL देंगे, वो तो URL जब खोलेगा तो आपका टेक्स्ट पहले आ जाता है, इमेज थोड़ी देर में आती है अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो, क्योंकि वो इमेज बाकायदा डाउनलोड होकर फिर नज़र आती है स्क्रीन के ऊपर। तो क्वालिटी तो मुझे कम दिख रही है, लेकिन डाउनलोड पूरे 900 KB की हो रही है इमेज। समझ रहे हो बात? डाउनलोड पूरे 900 KB हो रहा है, तो ये तो नुकसान है, मेरा पेज स्लो लोड हो रहा है, हालांकि मुझे ये इमेज अगर मैं बनाऊँ ही छोटे साइज़ की, अगर ये इमेज होती ही छोटे साइज़ की, तो इसका ज़ाहिर है हार्ड ड्राइव में साइज़ भी कम होता, हार्ड ड्राइव में साइज़ शायद इसका 200 KB होता, तो मुझे उसका जो डाउन साइड है कि इमेज मेरी देर से लोड हो रही है, मेरा पेज देर से लोड। अब इमेजिन करें, ऐसी मेरे पास अगर 200 इमेजेस हैं मेरे एक ही पेज के ऊपर, 200, जैसे गूगल सर्च में जब आप इमेजेस में जाते हैं तो बहुत सारी इमेजेस एक साथ खुल जाती हैं, तो उस तरह से अगर मेरे पास ज़्यादा इमेजेस हैं और मैंने सबके साथ ये हरकत की हुई है, कोई इमेज 2 MB, कोई इमेज 3 MB की है, और एक्चुअल में दिखा छोटा सा रहा हूं मैं उसको, तो मेरा पेज बहुत स्लो हो जाएगा लोड होने में। ठीक है, तो नंबर एक तो ये डाउन साइड है। नंबर दो डाउन साइड ये है कि जो आपका इमेज की जो क्वालिटी है ना, ये ब्राउज़र इसको अपने हिसाब से कम करेगा फिर ना, ज़ाहिर है ब्राउज़र को आपने बोला है HTML5 कौन कंट्रोल करता है, ब्राउज़र करता है, तो गूगल क्रोम अपने हिसाब से उसको फिर 500 करके दिखाएगा, आपका कंट्रोल यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा।
तो एक्चुअल में फिर हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि आपको जितने साइज़ की इमेज डिस्प्ले करवानी है आप उतने ही साइज़ की इमेज तैयार करते हैं फोटोशॉप पे या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अभी वो कैसे उसको छोटा करना है किसी एग्जिस्टिंग फ़ोटो को वो भी हम देख लेंगे। तो आप उतने ही साइज़ का बनाते हैं, अच्छा उतने ही साइज़ का बनाते हैं और उसको आप अपने वेब पेज पे लगाते हैं, उससे क्या होता है जितने साइज़ की इमेज होती है उतना ही इंटरनेट से डेटा डाउनलोड होता है और उतना ही बड़ा वो दिखती है, दैट्स इट। ब्राउज़र उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करता अपनी तरफ से। और मिसाल के तौर पे आपने इमेज 500 पिक्सल के साइज़ की रखी है अगर, तो आप यहाँ पे विड्थ में 500 ही लगाते हैं, जितने साइज़ की इमेज होती है विड्थ और हाइट दोनों वो आप दोनों यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देते हैं कि भाई इतना इस इमेज की साइज विड्थ है, इतना इमेज इसकी हाइट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब मैंने इमेज बनाई ही 500 पिक्सल की है तो मैं यहाँ पे इसको बता क्यों रहा हूँ कि 500 पिक्सल है, वो तो उतने की डिस्प्ले होगी भले मैं 500 पिक्सल लगाऊं या ना लगाऊं, वो तो इमेज उतनी ही साइज़ की डिस्प्ले होगी ना। मैं यहाँ पे अगर विड्थ 500 पिक्सल लिखूं या ना लिखूं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो किसी के पास जवाब है इस बात का? अगर किसी ने इमेजेस वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि बुक में ये बात बाकायदा मेंशन की हुई है उन्होंने। नहीं स्पीड फास्ट नहीं होगी, स्पीड का ताल्लुक नहीं है जी, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्वालिटी भी वही रहेगी। कोई बता सकता है कि इसका क्या डिफरेंस क्या आएगा? सवाल मेरा ये है कि मैंने ये जिक्र किया कि आपको जितने बड़े साइज़ की इमेज स्क्रीन पे दिखानी है आप उतने ही साइज़ की इमेज तैयार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने दिखानी 500 पिक्सल की है और आपकी इमेज 5000 पिक्सल की, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या तो अभी वो कैसे काइंड ऑफ शायद मैं ऐसा कैमरा तलाश करूं जो 500 पिक्सल की इमेज खींचता हो, मैं उससे खींच के इधर लाऊं, कुछ ना कुछ करूंगा, वो कैसे तैयार होगी दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वो इमेज 500 पिक्सल की ही होनी चाहिए और 500 पिक्सल की ही होनी चाहिए और मैं स्क्रीन पे उसको 500 पिक्सल का ही दिखाऊंगा। बट मैंने ये जिक्र किया कि उसके बावजूद मैं यहाँ पे विड्थ मेंशन करूँगा इसकी, जितनी है उतनी ही, ज़रूरत नहीं है ना, यही मेरा पॉइंट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा, करना चाहिए मुझे, मैंने ये नहीं बताया कि क्यों, मैं आपसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग का सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप बता सकते हैं? नहीं हमारा कंट्रोल भी नहीं रहेगा, नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा। नहीं मैं ये ना भी लगाऊं तब भी खुद नहीं करेगा जी। यूज़र कोई सी भी कर रहा है उसको 500 पिक्सल जो भी उसके बनता होगा ना वो दिखेगा, मैं ना भी लगाऊं तब भी उतने का ही दिखेगा, मैं लगाऊंगा तब भी उतने ही साइज़ का दिखेगा, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा जी। नहीं ये भी फ़र्क नहीं है, पिक्सल वैसे भी तमाम ही आएंगे। मैं ये देखना चाह रहा था क्योंकि मैं कई दो तीन क्लासेस मैंने कहा बुक को आगे पढ़ लिया करो खुद से, तो आप में से कोई भी बुक को आगे नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने लगा हूँ क्लास में वो आपको पहले से पता है, है ना, पहले से पता है ना कि आप चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 पढ़ेंगे, तो कोशिश किया करें वो खुद से पढ़ कर आया करें, तो आप में से कोई भी बुक को खुद से नहीं पढ़ के आ रहे हैं। वेल अच्छा ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ पे मैं विड्थ मेंशन कर देता हूँ तो जब मेरी वेबसाइट लोड होती है तो जाहिर है टेक्स्ट पहले लोड हो जाता है, इमेज का क्योंकि साइज़ बड़ा होता है वो थोड़ी देर में लोड होती है। तो होता क्या है अगर मैं यहाँ पे ना इसके साथ कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर दूँ और कुछ मैं लास्ट जो मैंने वेबसाइट बनाई थी ना उससे मैं कुछ पैराग्राफ उठा के ले आता हूँ ना, और वो पैराग्राफ जब मैं इधर लगाऊँगा और आपको मैं स्लोमो करके दिखाऊँगा ना इसका, तो फिर आप देखेंगे कि यार ये गड़बड़ है। अच्छा तो मैंने अभी क्या कर दिया, एक पैराग्राफ एक इमेज एक पैराग्राफ इस तरह करके कर दिया मैंने, लास्ट में एक पैराग्राफ और लगा देता हूँ। अब होता क्या है कि जब इमेज देर में लोड होती है ना तो ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ वो चपका हुआ आ जाता है शुरू में, सही है। अब जब इमेज लोड होती है तो धक्का मार के नीचे लेके जाता है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ। अच्छा ये गौर से देखो, ये गूगल क्रोम के डेवलपर टूल्स एंड नेटवर्क में गया मैं, ये राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करने से ये आता है, ठीक है। और मैंने नेटवर्क पे जाके क्लिक किया और नेटवर्क पे जाके क्या कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे एक ऑप्शन है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या होता है, मतलब मेरे पास इंटरनेट तो फास्ट है, अच्छा वाला इंटरनेट इस वक्त लगा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को स्लो इंटरनेट पे चला कर देखूँ कि कैसे चलती है। तो मैं यहाँ से आके ना थ्रॉटलिंग करूँगा और स्लो 3G सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे क्या होगा, अब जब मैं इस वेबसाइट को रीलोड का बटन दबाऊँगा तो गूगल क्रोम इस टैब को, ओनली दिस टैब, इस टैब का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो कर देगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि अगर मेरी ये वेबसाइट स्लो इंटरनेट पे खोली जाए तो किस तरह से खुलेगी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से खुलेगी, नोट किया, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ मैं, पहले ये दोनों पैराग्राफ चपके हुए आ रहे हैं, जैसे ही इमेज लोड होती है ब्लुप करके फिर वो जगह बना लेता है अपनी, सही है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ कि हाइट मैंने बताई हुई नहीं थी कि इस इमेज का जो एलिमेंट है इसकी हाइट क्या है। जब इमेज पूरी डाउनलोड हो जाती है कम्प्लीटली तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है ब्राउज़र को कि इसकी हाइट क्या है, बट पहले से मैंने नहीं बताई हुई थी। अच्छा, तो मैं देख लेता हूँ इसकी हाइट, बाय द वे इमेज की क्या बन रही है। अभी इसकी हाइट है 333 एक्चुअली, क्योंकि मैंने वो उसको श्रिंक किया हुआ है ना, ठीक है। तो मैं जब इसके आके बोलूँगा कि हाइट 333 पिक्सल, तो अब क्या होगा, फर्क समझ आ गया। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जब ये डॉक्यूमेंट लोड होगा तो वो पैराग्राफ चपके हुए नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पहले से ये, क्योंकि टेक्स्ट पहले लोड होता है, HTML का जो कोड है वो दैट इज़ अ टेक्स्ट, तो वो HTML का कोड पहले लोड हो जाता है, इमेजेस बाद में लोड होती हैं। तो जैसे ही HTML का पेज लोड होगा टेक्स्ट फॉर्म में, उसको उसी वक्त पता होगा कि यहाँ पे एक इमेज है और उसका हाइट इतना है, तो वो उतनी जगह छोड़ के रेंडर होगा, सही है, चपका हुआ नहीं होगा। अच्छा, इससे नुकसान और फ़ायदे का क्या ताल्लुक है, अगर ये जगह पहले से छोड़ के दिखा रहा है तो इसमें नुकसान क्या है। ये तो हाँ, नेट स्लो होने की सूरत में ही ये ज़्यादा फील होगा, लेकिन तेज़ नेट में भी फील होगा बाकायदा, ऐसा नहीं कि तेज़ नेट में बिल्कुल फील नहीं होगा। इसका बेनिफिट ये है, अगर ये जगह छोड़ के रेंडर होता है, इसका बेनिफिट ये है कि इससे यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है, ठीक है। जो यूज़र इस वेबसाइट को विज़िट करेगा, जो इसका इस्तेमाल करने वाला एंड यूज़र है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। उसका जो गुड और बैड एक्सपीरियंस होता है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। और मेरी इस वेबसाइट में अभी एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक इमेज है, राइट। लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता है, आम तौर पे वेबसाइट में इमेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, नेविगेशन बार में भी इमेजेस होती हैं, साइड बार में इमेजेस होती हैं, इधर भी इमेजेस होती हैं, छोटे 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 10-12 लोगो होते हैं, ठीक है। मतलब आपने चार लगाए ना फेसबुक ट्विटर पे, ऐसे चार लोगो लगाए हुए हैं आपने लाइन से नेविगेशन बार के ऊपर या नीचे। अब आप इमेजिन करें कि वो एक एक करके प्लुक 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 आ रहे हैं और वो पूरी वेबसाइट आपकी हिल रही है, पूरी वेबसाइट आपकी हिल, क्योंकि वो चपका हुआ था पहले, जब लोगो आया तो वैसे दूर हट गया, फिर ऐसे दूर हटा, समझ रहे हो। तो आप इमेजिन करके देखें कि बहुत सारी 250 छोटी छोटी और बड़ी बड़ी इमेजेस हैं और वो एक एक करके लोड हो रही है और पूरा ऐसे ऐसे हिलते हिलते आपका पेज लोड हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी अनप्रोफेशनल लुक। अगर आप भी कभी ऐसी किसी वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि यार ये क्या बनाया इसने, अनप्रोफेशनल लुक आता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि इमेजिन करें, मैं आपको थोड़ा एक और अंदाज से भी बताने की कोशिश करता हूँ, ये वेबसाइट मेरी लोड हो रही है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो ऊपर वाला है और ये पैराग्राफ, ये चपका हुआ आया आपस में। अब जैसे ही वो लोड हुआ ना, मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अच्छा ये पैराग्राफ अभी कहाँ था, एग्जैक्टली इस जगह पे था जहाँ पे अब ये इमेज आ चुकी है। अब जैसे ही मैंने दो वर्ड पढ़े ना शुरू किए, ब्रुक करके इमेज आई और वो पैराग्राफ भाग गया नीचे। मैंने कहा भाई ये क्या, कहाँ चला गया, मैं जो पढ़ रहा था वो कहाँ चला गया। तो समझ रहे हो कि एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस का सबब बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा कि इमेज हमें जितने साइज़ की डिस्प्ले करवानी है उतने ही साइज़ की होनी चाहिए, वो कैसे उतने साइज़ की होगी वो हम बाद में देखेंगे। दूसरी बात, उसके अंदर विर्थ का टैग भी हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने अपनी CV वगैरह बना ली है और रेसिपी की वेबसाइट बनाई है, उसमें आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेनी है सब लोगों ने, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। हाँ।